हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट का रिव्यू, जिसे नॉर्मली हम कॉफ़ी फ्रॉथर या मिल्क फ्रॉथर के नाम से जानते हैं। मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे कॉफ़ी फ्रॉथर, पर मैं रिव्यू कर रही हूँ होंगजिन मिल्क फ्रॉथर या कॉफ़ी फ्रॉथर के बारे में। तो चलिए शुरू करें वीडियो। तो आज इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसकी कुछ अच्छी बातों के बारे में और कुछ बुरी बातों के बारे में जो मुझे फील हुई। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉजिटिव बातें देख लेते हैं। तो इसकी पहली अच्छी बात है इसकी शेप, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी सी ग्रिप देता है, जिसकी वजह से इसे पकड़ना काफ़ी कन्वीनियंट होता है और इसे काम करते वक्त मज़ा आता है। दूसरी अच्छी बात है इसमें एक सिंगल बटन, तो ये एक बटन है जो इसे ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है। आप इसे इस तरह से स्लाइड करेंगे तो ये क्लिप ऊपर से खुल जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अंदर दो कैविटीज़ हैं। इन कैविटीज़ में हम यूज़ करते हैं सेल, तो आप देख सकते हैं ये AA बैटरीज़ हैं जिन्हें हम घड़ी में यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मल सेल हैं जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। वैसे पीछे इसके इंडिकेशन दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव का, उसी तरह से जिस तरह से एक सेल पर या फिर बैटरीज़ पर दिया होता है। तो आप इस इंडिकेशन को देखकर अपनी बैटरीज को इसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह से डालकर आपको ये जो क्लिप है दोबारा से लगा देना है और बस आपकी ये जो फ्रॉथर है वो बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसे ऑपरेट करना कितना आसान है। जब भी चलाना हो इसे प्रेस कर दीजिए और जब रोकना हो तो अपना अंगूठा हटा दीजिए, ये अपने आप रुक जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं इससे मज़ेदार कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम कप में लेंगे शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम डालेंगे अब इसमें कॉफ़ी पाउडर, साथ ही अब हम डालेंगे इसमें गर्मा गर्म दूध। मैं डाल रही हूँ हाफ कप दूध, ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएँ कि कैसा रहा रिज़ल्ट। तो अब हम यूज़ करेंगे फ्रॉथर, इसके लिए हम दबाएंगे ये वाला बटन। अब हम प्रेस करेंगे ये वाला बटन और इसे रखेंगे करीब 10 से 15 सेकंड के लिए। आप चाहें तो 30 सेकंड भी रख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको झाग मिले इसमें। 10 से 15 सेकंड में ही इसमें काफ़ी झाग हो चुके हैं, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, करीब 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं हमारी कॉफ़ी को चलाते हुए, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे झाग इसमें आ चुके हैं। वैसे अगर आपको और भी ज़्यादा झाग चाहिए तो आप इसे 15 से 20 सेकंड और ज़्यादा चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी से बहुत जल्दी हमारी मार्केट स्टाइल कॉफ़ी बन जाती है। वैसे आप इसे कॉफ़ी फ्रॉथर के अलावा भी एक मिनी ब्लेंडर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे यूज़ करती हूँ अलग अलग चीज़ों को मिक्स करने के लिए, जैसे कि चीले का बैटर बनाने के लिए, या फिर लस्सी बनाने के लिए, या फिर सैलेड ड्रेसिंग बनाने के लिए। तो आप इसे जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी मल्टीपर्पस है। दूसरी अच्छी बात इस प्रोडक्ट की जो मुझे लगती है, वो है इसकी कीमत। मार्केट में जब हम कॉफ़ी पीते हैं इस तरह की, तो हम खर्च करते हैं एक कप के लिए करीब 200 से 300 रुपए, जबकि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन सिर्फ 142 रुपीज़ में। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सस्ता है और बहुत ही अच्छी डील है। तो अगर आपको हर रोज़ कॉफ़ी पीने का शौक़ है तो इसे ज़रूर खरीदिए, और अगर आप कभी कभार पीना पसंद करते हैं कॉफ़ी को, तो भी इसे ख़रीदना अच्छी डील है। मुझे बस इसकी एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो है इसका कलर। इसकी पैकिंग देख के लगता है कि आपको ब्लैक कलर मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट जब आता है तो आप देखेंगे कोई दूसरा कलर आपको मिलेगा। तो उसे देख के थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि मुझे ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी काम का है और इसे आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर खरीदेगा और इसे कलर पे बिल्कुल मत जाइएगा। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप ये प्रोडक्ट आपको उतना ही पसंद आया जितना कि मुझे आया है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी लाइफ भी आसान हो जाए। मैंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा है अमेज़ॉन से। आप चाहें तो किसी और वेबसाइट से भी इसे खरीद सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।